Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. I am having a bad throat. Voice which will be a little disturbed. Active and passive voice है. Class fourth में है. Active और passive voice नहीं है. Class fifth के syllabus में भी है और sixth के syllabus में भी है. तो इसीलिए हम दोनों books consult करेंगे ताकि हमें जो है वो clearer view मिल सके. Let's have both explanations. A sentence can be expressed in the active voice or the passive voice. अब जो sentence है वो active में भी और passive voice में भी दोनों तरह से जो है वो explain किया जा सकता है. In the active voice में क्या होता है कि the subject is the one who does the action. अब subject जो है वो action perform करता है कि he is doing this या he was doing that. लेकिन passive में क्या होता है कि subject वो है whom the action is being done to, जिस पर action जो है वो perform हुआ वो subject बन जाता है. Subject active में वो subject होता है जो कि action कर रहा हो. Passive में वो subject बन जाता है जिस पर action perform हुआ था. For example, अगर मैंने कहा कि ही इज़ डूइंग दिस, तो अगर हम इसको पैसिव में करेंगे तो लिखा जाएगा कि दिस वॉज डन बाय हिम या दिस इज़ डन बाय हिम. प्रेजेंट और पास्ट जिस हिसाब से जो भी टेंस आप एक्टिव से पैसिव में कर रहे हैं, टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा. पहले जो काम कर रहा था वो सब्जेक्ट था, अब जिस पर काम किया जा रहा है या जा रहा था वो सब्जेक्ट हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, सम फार्मर्स ग्रो राइस. अब यहाँ सब्जेक्ट हैं फार्मर्स, फार्मर्स की बात हो रही है और जिस पर काम हो रहा है वो है राइस. तो अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये पहले आ जाएगा. राइस इज़ ग्रोन बाय सम फार्मर्स. बात एक ही है लेकिन उसको करने का तरीका डिफरेंट है. लेट्स हैव अ लुक फ्रॉम हियर टू. इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस डज समथिंग, अगर द सब्जेक्ट कोई काम करता है, द वर्ब इज़ इन द एक्टिव वॉइस, तो वो एक्टिव वॉइस होता है. इफ़ समथिंग इज़ डन टू द सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट पर कोई काम होता है तो वो पैसिव वॉइस बन जाता है. अगर सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो एक्टिव वॉइस है, और अगर सब्जेक्ट पर या सब्जेक्ट के थ्रू कोई काम किया जा रहा है तो वो पैसिव वॉइस है. द हंटर किल्ड अ वाइल्ड बोर. बाद वाली चीज़ पहले आ जाएगी तो वो सब्जेक्ट बना देंगे उसको हम. अ वाइल्ड बोर वॉज किल्ड बाय द हंटर. इसी तरह से बाकी सेंटेंसेस हैं. नाउ What you people have to do is, आप लोगों की जो भी exercises हैं जो कि पीछे दी गई हैं वो आप लोगों ने ख़ुद से solve करनी है, कोशिश करनी है उनको solve करने की. Mr. Brown will manage the saucer team. The saucer team will be managed by Mr. Brown. आपका जो tense है वो change नहीं होता, tense की form change हो जाती है. यहाँ पे will manage है, यहाँ पर will be manage आ गया. The nurse is looking after the children. The children are being, क्योंकि nurse singular था इसीलिए is आया, लेकिन children जब हमारा subject बना तो are आएगा क्योंकि children is plural. The children are being looked after by the nurse. Exercises बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, active से passive में आप लोगों ने करना है और passive से एक्टिव में भी. जितनी ज़्यादा जगह से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है वो आसानी होगी. आज सिर्फ हम एक्टिव और पैसिव वॉइस ही करेंगे और एक्सरसाइज जो है वो आपकी होमवर्क होगी.